दोस्तों इस रविवार को होने वाला है आईपीएल 2021 का सबसे बड़ा महामुकाबला और ये होगा पॉइंट टेबल पे नंबर वन बनने की जंग। देखना होगा कि सीएसके और आरसीबी में कौन जीतेगा, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने शुरुआती चारों के चार मैच जीतकर दोस्तों पायदान पे नंबर वन बनी हुई है, तो वहीं सीएसके ने एक मुकाबला हारने के बाद तीन सफलताएं हासिल करके रैंकिंग में दूसरा स्थान पा रखा है। अगर सीएसके ये मुकाबला जीत जाती है तो दोस्तों नेट रन रेट के आधार पर सीएसके नंबर वन पायदान पे होगी और बैंगलोर नंबर टू पे। देखना होगा कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और दोस्तों वर्तमान के कप्तान विराट कोहली में से किसकी टीम किस पर भारी पड़ती है। टोटल आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की टीम के बीच में अब तक 25 मुकाबले हुए हैं। 16 बार दोस्तों सीएसके ने बाजी मारी है और मात्र 9 बार विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीत पाई है। लेकिन अब की बार देखना होगा कि जिस करंट फॉर्म में चल रही है आरसीबी, उसने आईपीएल के इतिहास में लगातार कभी चार मुकाबले नहीं जीते, लेकिन इस बार आरसीबी के सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं, गेंदबाज भी फॉर्म में है तो दोस्तों बल्लेबाज भी। बल्लेबाजों में देवदत्त पड्डीकल, विराट कोहली, मैक्सवेल और डिविलियर्स चारों का बल्ला चल चुका है। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि युजवेंद्र चहल की फॉर्म अभी तक दोस्तों सवालिया निशान है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस फॉर्म में हैं, ऋतुराज ने भी पिछले मैच में अच्छा बैट का जलवा दिखाया, रैना अच्छे खिलाड़ी हैं और रायडू भी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने भी पिछले मुकाबले में अपने टीजर को दिखा दिया था, हालांकि धोनी से और भी ज़्यादा उम्मीदें की जा सकती है। गेंदबाजी यहां पर पूरे तरीके से दीपक चाहर पर निर्भर करती है। दीपक ने जब जब ऊपर से विकेट निकाले हैं, चेन्नई ने दूसरी टीम पर दबाव बनाया है। देखना होगा कि इस बार कौन सी टीम मुकाबले में एक दूसरे पर भारी पड़ती है और कौन नंबर वन पायदान पर बढ़ती है। ये आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा मैच है इस साल का, क्योंकि दोस्तों अभी से ये ट्विटर पे कर रहा है ट्रेंड। आप किसके सपोर्ट में हैं, जर्सी रेड या फिर जर्सी येल्लो, कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करें दोस्तों देखो देखो, ताकि आपको आने वाली खबर यहाँ मिल जाए सबसे पहले।